ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के 51वें एवं राष्ट्र संत महंत अवैध नाथ जी महाराज के 6वें पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी के 5वें दिन वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम नंदन सिंह ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति ही उसकी आत्मा होती है। भारतवर्ष में लगभग 1200 वर्षों के संघर्ष के बाद भी भारतीय संस्कृति आज जीवित है। जहां दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं, इसके मूल में गाय ही है। गाय हमारे भारतीय संस्कृति की प्राण है। प्राचीन काल से ही गाय भारतीय संस्कृति और परम्परा का मूलाधार रही है। गंगा, गोमती, गीता, गोविंद की भारतीय शास्त्रों में गाय भी अत्यंत पवित्र मानी गई है। गोपालन व गो सेवा तथा गोदान ही हमारी संस्कृति में महान परंपरा रही है व गो सेवा ही सुख व समृद्धि का एक मार्ग है। विशिष्ट वक्ता के रूप में गीता प्रेस गोरखपुर के उत्पाद प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी ने कहा कि वेदों का उद्घोष, पुराणों की पुकार अनादिकाल से गौ सेवा का आदेश देती चली आ रही है व गाय हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय का निवास जिस स्थान पर होता है वह स्थल तीर्थमय बन जाता है। गाय अपनी उत्पत्ति के समय से ही भारत देश में पूज्य रही है वह विश्व की माँ है, ऐसा उद्घोष हमारे शास्त्रों में किया गया है जो गाय की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। महामना मालवीय 1958 में कोलकाता के अधिवेशन में कहा था कि गाय मानव मात्र के लिए पूज्य व वंदनीय है, इसकी हत्या जघन्य अपराध है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को विशेष महत्व दिया है और गो रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाया तथा गो सेवा आयोग का गठन कर अनेक योजनाएं बनाई। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे महंत सुरेश दास महाराज ने कहा कि प्रातः काल से ही हमारी संस्कृति आरंभ हो जाती है या भारत की संस्कृति है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व संस्कृति। इसलिए गोरखनाथ मंदिर में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन गो सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मान लेंगे उस दिन विश्व गुरु के पद को पुनः स्थापित करने में सामर्थ्य हो सकेंगे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में महाराणा प्रताप सिंह शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मनुष्य के लिए जन्म से लेकर वृद्धावस्था पर्यंत यदि कोई पौष्टिक पदार्थ लेने योग्य है तो वो गाय का दूध ही है। भारतीय संस्कृति के किसी भी आध्यात्मिक कार्य में गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही व घी को पंचगव्य के रूप में लेकर ही कार्य संपादन किया जाता है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गौ सेवक व पूर्व पशुधन प्रचार अधिकारी अरुण कुमार बैरागी व बैरागी ने 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है इस स्वरचित कविता के द्वारा गाय के महत्व को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाचन के महंत मिथिलेश नाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी का श्री गोरक्षनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब व गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। विशेषण होते हैं जिनमें गोरक्षपीठ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप वक्ता के अलावा, वक्तव्यों के अलावा कभी गो पालन, गो सेवा किया भी है, गाय रखे भी है क्या? अब सामान्यतः अखिलेश जी ने नहीं पता रहा होगा गोरक्षपीठ में गो पालन, गो सेवा का क्या अतीत और क्या वर्तमान है। पूज्य महाराज ने कहा कि 300 से अधिक गाय के लाभ, गो सेवा के
की उपयोगिता के विषय में मैं तो सिर्फ इतना ही आज कहना चाहूंगा, आगे बढ़ता विषय गौरव करें कि गाय को गाय के रूप को तो पूर्ण भोजन माना गया है, तमाम सारे मिनरल्स तमाम सारे तत्व उसमें आपको प्राप्त होते हैं, इसीलिए बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, उनका कितने महीने तक का जीवन स्वस्थ और सुंदर चलता रहता है। और मुझे लगता है हम सब लोग अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्य को बिल्कुल नकार देते हैं, अगर एक बार दूध प्रतिदिन पूरे जीवन उसका सेवन करते रहें तो बहुत सारे बीमारियों से अस्वास्थ्य परिस्थितियों से स्वतः मुक्त रहें। लेकिन हम सबको तमाम सारे पेय पदार्थ ज़्यादा आकर्षण करते हैं बजाय गाय के दूध, उसमें भी गाय के दूध में भी मैं आपको बताऊँ मेरा अनुभव है, जितना मैंने पढ़ा और सुना है भारतीय नस्ल की गायों के दूध और जर्सी और देसी गायों के दूध में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। ये मेरा मतलब केवल भारतीय होने के नाते भावनात्मक नहीं, ये तथ्यात्मक है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, एक बार जो गलती करे उसे अज्ञान कहते हैं, दोबारा गलती करे उसे नादान कहते हैं, और बार बार जो गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और सभी गलतियों को जो माफ करते उसे हिंदुस्तान कहते हैं। आज से नहीं, पृथ्वीराज से लेकर के आज गोरखनाथ पीठ में हर साल प्रति वर्ष यहां कार्यक्रम होगा। क्यों होगा है कार्यक्रम और कथा सुनना क्यों जरूरी है, और कथा नहीं सुने स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे
के लिए समय दिया जाए। जज ने कहा कि बोलो। अंगूठा ने कहा कि श्रीमान ये चारों गवाह फर्जी हैं। बोले फर्जी कैसे हैं? कहा कोर्ट में कचहरी में जहां भी काम होता है और जब तक मैं ठेका नहीं लगाता हूं तब तक मान नहीं होता, इससे मैं बड़े। इसके बाद तर्जनी का नंबर आया। तर्जनी ने कहा कि श्रीमान हमको भी बोलने के लिए मौका दिया जाए। जज ने कहा बोलो। तर्जनी ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूं कि श्रीमान संसार के भूले भटके व्यक्तियों को रास्ता तो मैं बताती हूँ। अगर कोई पूछता है कि ये गोरखनाथ मंदिर किधर है तो सीधे मैं बताती हूँ, अगर लिखा दिखा जाए तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कोई। इसके बाद नंबर मध्यमा का है। मध्यमा ने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए मैं बड़ी हूं। इसके बाद नामका का जब नंबर आया तो उसने कहा कि ये चारों जो है नास्तिक है श्रीमान, आस्तिक तो मैं हूं, इसलिए बड़े हूं, पूजा और पाठ में पैसे तो मत मान पाऊंगी। इसके बाद कनिष्ठा का नंबर आया। कनिष्ठा ने कहा कि श्रीमान ये चारों जो है वो डरपोक है और कमजोर है, जहां मुक्काबाजी होती है वहां तो मैं ही रहती हूं। जज ने फैसला क्या दिया? जज ने फैसला दिया कि अगर तुम लोग आपस में एक एक करके लड़ोगी तो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा, और आपस में मिलकर रहोगी तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आज आप देखिए ईसाइयों की बात मानी जाती है, मुसलमानों की बात मानी जाती है, लेकिन हिंदुओं की बात नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? इसलिए नहीं मानी जाती है कि आपस में हम लोग लड़ते हैं, हमारे में एकता नहीं है, और हम जिस दिन एक हो जाएंगे हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर साल गोरखनाथ पीठ में यही संदेश दिया जाता है कि हिंदू संस्कृति को बचाया जाए। हिंदू रहेंगे तो देश रहेगा, हिंदू रहेंगे तो गो रहेगा, हिंदू रहेंगे तो गाय रहेगी, अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो फिर क्या परिस्थिति होगी, इस बात को समझिए। इसलिए प्रति वर्ष यहाँ पर हर साल सम्मेलन होता है और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हर व्यक्ति यही प्रयास करता है। इसलिए वर्तमान समय में श्री युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं श्री अवैधनाथ जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। पानी को विश्राम उन तमाम मनुष्यों के लिए श्री रामायण का भाव करते हुए सादर करता हूँ। सदियों से योगियों और संतों की तपस्या जनमानस की आस्था का केंद्र पूर्व के अधीश्वर युग पुरुष श्री यनाजी महाराज और राष्ट्र संघ श्री वैद्यनाथ जी महाराज ने भारतीय संस्कृति की रक्षा सुरक्षा और मानव हित के आजीवन जो कार्य किया वह समाज के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा कल्याण जनमानस के हृदय में विराजमान इन परम पूज्य महापुरुषों आज इस मंच से उनके नाम एवं सेवा विषय पर कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला या मेरे लिए गौरव प्राप्त है। पर हृदय से विचार वेदों का उद्घोष पुराण की भार और स्मृतियों की लगभग स्वर अनादि सेवा का आदेश उपदेश और संदेश सुनाता चला है। वेद प्रभु समृद्ध भाषा स्मृतियां स्वयं संत शैली और पुराण कांता
Thank you.
प्रेरणा और मार्गदर्शन में मुझे गौ सेवा आयोग में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम में मंचासीन तभी पूज संत एवं आदरणीय श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम। कार्यक्रम के संचालक आदरणीय संत श्री भगवान सिंह जी, कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव छात्र छात्राएं और अध्यापकगण, गोरखपीठ एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। संपूर्ण विश्व में लाखों इसके भक्त फैले हुए हैं। इस सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर, इस सिद्धपीठ के पीठाधिपति योग पुरुष ब्रह्मलीन परम पूज मैं दिग्विजयनाथ जी के 51वीं पुण्यतिथि एवं परम पूज मैं दिग्विजय महंत आदित्यनाथ जी के 30वीं पुण्यतिथि के स्थापनायिक कार्यक्रम में आज मुझे वृद्धाश्रम अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश के लाखों हिंदू प्रेमियों में दोनों ही संत महात्माओं के आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया है। दोनों ही संत पुरुषों की प्रेरणा, आशीर्वाद, उनका अथक परिश्रम, नेतृत्व, मार्गदर्शन से आज वो दिन प्राप्त हुआ है जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। आज का विषय है भारतीय संस्कृति और गौ सेवा। भारतीय संस्कृति किसी भी देश का प्राण होती है। अगर वो संस्कृति नहीं है तो देश केवल एक नाम के साथ जीवित रहेगा, उसकी देश में कोई पहचान नहीं रहेगी। भारतवर्ष ने लगभग 1200 वर्षों से अधिक देशी ताकतों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस देश में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करने के बाद भी आज भारतीय संस्कृति जीवित है, उसको जीवित रखा है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं, भौगोलिक दृष्टि से भले वो आज देश के नाम होंगे लेकिन उनकी जो संस्कृति, उनकी जो आत्मा, उनके जो प्राण जिससे वो देश पहचाने जाते थे वो चीज़ समाप्त हो गई। दुनिया में कहा भी जाता है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक ऐसी कौन सी बात है तो आज देश में भारतीय भारत का नाम, भारत की संस्कृति आज जीवित है। भारत का इतना बड़ा नाम, भारत का इतना प्रभाव आज विश्व में है। इतने संघर्षों के बाद भी उसका प्रमुख कारण यही है कि भारत ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। भारतीय संस्कृति के बहुत से जीवित रखने के कारण है, मैं इसे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। माना किसी के लिए हमारा आर्थिक जीवन जो है, कृषि पर आधारित आर्थिक जीवन जो था हमारा, बहुत कुछ हद तक गाय के ऊपर अभी भी निर्भर करता है। गोबर तो वहीं से आता है, गाय का दूध हम वहीं से हमें मिलता है। हमारा आर्थिक जीवन जो है बहुत कुछ गाय के ऊपर अभी भी रहा है, आगे भी रहेगा। भाई हम इसको संकल्प ले, गोरक्षा गो सेवा का संकल्प लेते हुए हम आज के इस अंतिम सत्र है, कल से तो श्रद्धांजलि समाप्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मंच पर पूज्य महंत सुरेश दास जी हैं, पूज्य योगी कमलनाथ जी हैं, पूज्य महंत विशेषा जी हैं और हमारे जो दो बंधु ऑनलाइन जुड़े हुए हैं श्री श्याम नंदन सिंह जी, डॉक्टर दारामणि त्रिपाठी जी, शिक्षा परिषद के समस्त लोग,
मीडिया के लोग, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, और जो कहीं हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ा हुआ, सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इस मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए। आपके उद्बोधन और आशीर्वचन के साथ ही आज के प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी यही पूर्णता को प्राप्त करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।